हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे दलिया के लड्डू। क्या आपने कभी घर में दलिया के लड्डू बनाए हैं? अगर नहीं बनाए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, जो है कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर। आप अपने बच्चों के लिए कभी भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दी है। एक चम्मच इसमें घी डाल देंगे। एक कटोरी यहाँ पर दलिया की ले ली है। आप घर की कोई भी कटोरी यूज कर सकते हो। अब इसको लो फ्लेम में अच्छे से भूनना है। इसको हमें 10 मिनट भूनना है। अब ये अच्छे से भून गया है। अब इसको हम निकाल देंगे। एक चम्मच घी डालेंगे और इसमें एक कटोरी जो मखाने लिए हैं हमने, उसको हम अच्छे तरीके से लो फ्लेम में भूनेंगे। मखाने को 5 मिनट भून लेंगे और इससे अब खुशबू आने लग गई। हम गैस बंद कर लेते हैं, इनको निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में एक चम्मच घी और डालेंगे और जो ड्राई फ्रूट्स हमने काट के रखे थे उनको हम लो फ्लेम में भून लेंगे। अब ये भी हो चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं। मखाने भी यहाँ पे क्रिस्प हो चुके हैं और जो दलिया हमने भुना था अब वो ठंडा हो चुका है। उसको हम मिक्सी में एकदम बारीक पीसेंगे। इसी तरह हम मखाने को भी बारीक पीस लेंगे और उसी कढ़ाई में डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। और यहाँ पे आधा कटोरी मैंने बूरा लिया है। आप चाहे तो गुड़ भी ले सकते हो या तो इसमें मिश्री भी डाल सकते हो। स्वाद के लिए इलायची पाउडर और 4 चम्मच यहाँ पे मैंने घी के ऐड कर लिए हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हो। ये लड्डू बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसमें कैल्शियम जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है और ये फैट भी कम करता है। आप इसको कभी भी खा सकते हो और अपने बच्चों को भी दे सकते हो। यहाँ पे पूरे लड्डू तैयार हो चुके हैं। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।